प्रिय विद्यार्थियों, 18 अप्रैल को आपका निदानात्मक आकलन का टेस्ट होने वाला है। निदानात्मक आकलन में आपको प्रश्न पुस्तिका के साथ ओएमआर शीट भी मिलेगी। अब ओएमआर शीट का प्रारूप कैसा रहेगा और इसको कैसे फिलअप करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ओएमआर शीट की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने दो तरह की ओएमआर शीट दिखाई दे रही है। ये है कक्षा 9th की ओएमआर शीट। आप लोगों को कल वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि कुल 5 ग्रुप बनेंगे और 5 ग्रुप में दो तरह की ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर फर्स्ट और ओएमआर सेकंड। ये जो आपको दिखाई दे रही है पिंक कलर की, ये ओएमआर फर्स्ट है और जो विद्यार्थी ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में शामिल होंगे उनको ये ओएमआर सेकंड मिलेगी। आइए देखते हैं इस ओएमआर शीट को किस प्रकार से आपको भरना है, फिलअप करना है। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट नेम, दूसरा है विद्यालय का नाम और ज़िले का नाम। अब ये आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में इस जानकारी को ब्लू या ब्लैक पेन से भरना है। सबसे पहले ये कॉलम दिया हुआ है विद्यार्थी का नाम, उसके नीचे है स्कूल का नाम, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट का नाम। विद्यार्थी अपना नाम जानते ही हैं, स्कूल नेम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर। इसके बाद ये सब जानकारी भरने में आपके रूम में जो टीचर मौजूद रहेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद अगला देखिए, आपको जानकारी भरना रहेगी यू डाइस कोड। ये देख रहे हैं आप, हर खाने में एक डिजिट भरना रहेगा और ऊपर की तरफ ब्लॉक में जो डिजिट भरी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गोले को काला करना रहेगा। आप लोगों को पता है ही सही, गोला अंकित करने का ये सही तरीका है उसको पूरी तरीके से फिल करना। देख पा रहे हैं आप यू डाइस कोड। इसके बाद ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा आकलन वाले दिन आपको स्टूडेंट समग्र आईडी का जो फोटोकॉपी अपने साथ लेकर आना है और यही आपका रोल नंबर होगा। आप समग्र आईडी का हर ब्लॉक में एक एक डिजिट लिखेंगे और संबंधित अंक के डिजिट को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक। इसके बाद अगली जानकारी देखिए, आप लिखा हुआ है ग्रुप नंबर G1, G2, G3, G4, G5। जो भी स्टूडेंट जिस ग्रुप का मेंबर होगा, हिस्सा होगा, जैसे मान लीजिए मुझे G2 ग्रुप मिला है तो मैं यहाँ G2 ग्रुप को क्या करूँगी, फिल कर दूँगी, सर्कल कर दूँगी। इसके बाद हम प्रश्न पत्र शुरू करेंगे। अब आपको बता ही था हर विद्यार्थी को दो पेपर सॉल्व करना रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये आपको एक ही प्रश्न पुस्तिका के अंदर मिलेंगे। अब मान लीजिए ये विषय दिए हुए हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। अब इनमें से जिस भी विद्यार्थी को फर्स्ट पेपर में जो मिलेगा आवंटित होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होंगे, इसलिए आप एक दूसरे का देखकर सर्कल नहीं करें। आपको जो पेपर मिला है उसमें देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स मिला है तो वो ये मैथ्स वाले में ये एम लिखा हुआ है इसको सर्कल करेगा, या मान लो किसी को फर्स्ट पेपर में साइंस मिला है तो वो साइंस में एस को क्या करेगा, सर्कल कर देगा, काला कर देगा। ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, पेपर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक के क्वेश्चन आपको करना रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। अब देखिए यहाँ पर मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्वेश्चन बुकलेट में टिक करने के बाद यदि डी है तो मैं डी को क्या करूँगी, सर्कल कर दूँगी। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है तो मैं सी को सर्कल कर दूँगी। ये सब आपकी जानकारी में है। इसके बाद पेपर में ही आपको देखना है कि पेपर बी आपको कौन सा मिला है,
मान लीजिए पहला मुझे मैथ्स मिला है और दूसरा साइंस मिला है, तो ऊपर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और एम पे सर्कल करूँगी, और सेकंड पेपर मुझे साइंस का मिला है तो मैं साइंस के ऊपर सर्कल करूँगी और उसमें से साइंस के क्वेश्चन शुरू करूँगी। अब यहाँ पाँच से इसलिए शुरू हो रहा है कि एक से चार तक के प्रश्न तो विद्यार्थियों को FR लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जो प्रश्न पुस्तिका में ही सॉल्व करने होंगे, और बाकी बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो उनको इस OMR शीट में सॉल्व करने हैं। समझ में आ गए आपको? अब ये थी OMR फर्स्ट, ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड का हिस्सा होंगे। अब देखिए आप अगली OMR शीट, ये है OMR सेकंड, इसमें भी लगभग वही जानकारी है, फिर भी इसमें कुछ चेंज है, और ये उन विद्यार्थियों को मिलेगी जो ग्रुप फोर और ग्रुप फाइव का हिस्सा होंगे। देखिए आप, इसमें भी वही जानकारी फिल करना है, कैपिटल लेटर में विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। गोला बनाने का जो तरीका है वो फुल फिल करना है, सर्कल करना है। यहाँ भी UDIS कोड है, स्टूडेंट की समग्र ID है, और वो ही ग्रुप है G1, G2, G3, G4, G5। आप G4 और 5 का हिस्सा होंगे तो 4 को सर्कल करेंगे, 5 का हिस्सा होंगे तो 5 को सर्कल करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, पेपर फर्स्ट में जो भी मिला होगा, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मान लो हिंदी मिला है तो मैं H को सर्कल करूँगी और फिर वही प्रश्न सॉल्व करेंगे, 5 से लेके कितने 45 तक। शुरू के 4 प्रश्न उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना पड़ेंगे, खाली स्पेस दिया हुआ होगा, और बाकी बचे हुए प्रश्न MCQ टाइप के हैं जो आपको इस OMR में करना रहेंगे। अब यहाँ देखिए अगला जो पेपर है VAB SEL, जिनको भी वैल्यू एंड बिहेवियर सोशल इमोशनल लर्निंग ये पेपर मिलेगा, उनको यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के प्रश्न आपको करना रहेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न पुस्तिका के अंदर प्रश्न करना नहीं रहेगा VAB का, समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हमारे सामाजिक नैतिक जिम्मेदारियां, भावनात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम के ऊपर आधारित ये प्रश्न होगा और सबसे सरल होगा। और यहाँ भी आपको वही करना है, प्रश्न नंबर 1 का आंसर मान लो A है तो मैं A को सर्कल करूँगी, प्रश्न नंबर 10 का आंसर C है तो मैं C को सर्कल करूँगी। इस तरीके से आपको OMR शीट का प्रारूप दिखाई देगा और आपको भरना है। सबसे मुख्य बात, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे इस OMR शीट पर वर्क करेंगे और ग्रुप 4 और 5 वाले बच्चों को ये येलो वाली OMR शीट मिलेगी।